अपनी स्कार्स को रिमूव करने के लिए करता है, इसको इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, प्लीज इसको 1 month यूज करो, अगर आपको सूट करता है तो इसको कंटिन्यू, ये जो प्रोडक्ट है ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। वेलकम ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटी एंड ग्लैम। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। आई एम बैक विद माय अदर वीडियो। सो आज का वीडियो हमारा होने वाला है सिरोना के डीप पिगमेंटेशन सीरम पे, एंड इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि मुझे ये सीरम कैसा लगा, क्या इसकी डोजेज है, क्या इसका प्राइस है, इट्स क्वांटिटी, किस किस लोगों के लिए, किन किन लोगों के लिए अच्छा है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है और इसका इफेक्ट मुझ पर कैसा था। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस, इस तरह के कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आती है, काफी सॉलिड पैकेजिंग है इसकी, मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी यार कि ये काफी सॉलिड है, इसके अंदर आपका सीरम सेफ है। अगर आपकी पैकेजिंग कहीं ये गिर जाती है तो ये सीरम सेफ रहने वाला, बिकॉज जो सीरम्स की बॉटल होती है वो मोस्टली ग्लास की होती है, मोस्टली क्या ग्लास की ही होती है, तो इसमें काफी सेफ रहने वाला है। एंड ईच एंड एवरी डिटेल इसके ऊपर गिवन है, ये भी काफी प्लस पॉइंट लगा मेरे को इसका। एंड इसका प्राइस है 599, डिस्काउंट वगैरह चल रहा होगा तो आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा। सो गाइस क्वांटिटी इसकी है 30 ml, एंड कंसिस्टेंसी इसकी काफी ज्यादा वॉटरी टेक्सचर है, दैट आई विल शो यू आगे जाके वीडियो में। एंड इसके अंदर जो मेन की इंग्रेडिएंट्स हैं दैट इज विटामिन सी, नायासिनामाइड एंड लिक्विरिस रूट एक्सट्रैक्ट, टेस्मैनियन पेपर फ्रूट एंड एन्फैग्यूटिन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एंड बात कर लेते हैं कि इसको यूज किसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लींज योर फेस विद द फेस वॉश और क्लींजर, जो भी आप यूज करते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। देन उसके बाद आपको अपने फेस पे टोनर अप्लाई करना है, जो भी अगर आप टोनर अप्लाई करते हो, अगर नहीं करते हो तो सीधा आप सीरम भी अप्लाई कर सकते हो। यू हैव टू टेक फ्यू ड्रॉप्स, 2 to 3 drops आप लो अपने फेस पे अप्लाई करो, एंड इस तरह डैप डैप मोशन पे आप इसको मर्ज कर सकते हो। ये काफी ज्यादा क्विक अब्जॉर्बिंग है, ये बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद 15 to 20 seconds इसको लगे रहने देना सो दैट ये अब्जॉर्ब हो जाए, अपना इफेक्ट कर दे। उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइजर के साथ कंटिन्यू कर सकते हो स्किन केयर। दिस इज द करेक्ट वे टू अप्लाई अ सीरम। सो इसका जो फायदा है या किन लोगों के लिए ये है सीरम, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है सीरम जिनके फेस पे डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, या कोई ब्लेमिशेस है, या जो एक्नी स्कार्स हमारे फेस पे रह जाते हैं, या फिर कुछ लोगों की अनइवन स्किन टोन भी होती है अराउंड माउथ, या फिर सनबर्न भी कुछ लोगों को हो जाता है, सनबर्न हो गया या फिर टैनिंग हो गई, जो ये सारे कंसर्न्स होते हैं ऑल ओवर डार्क स्पॉट्स जो फेस पे आ जाते हैं या कुछ भी, उसको रिड्यूस करने के लिए या आपकी स्किन को रिपेयर करने के लिए या फिर आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करने के लिए ये सीरम इन्होंने बनाया है। एंड इसके जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उन सभी का मेनली ओवरऑल ये सभी इस चीज के लिए यूज किए जाते हैं ताकि आपकी स्किन जो है रिपेयर हो जाए एंड काफी ग्लो करे। सो नायासिनामाइड हम सबको पता है, उसका अलग से भी सीरम आता है, तो मुझे सीरम की वजह से एक जो पॉजिटिव पॉइंट लगा कि इस और सारे सीरम में मेनली सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, नायासिनामाइड हो गया, विटामिन सी हो गया या लिक्विरिस एक्सट्रैक्ट हो गया। नायासिनामाइड यूज किया जाता है पोर्स को कम करने के लिए, जो आपके फेस पे बड़े बड़े पोर्स हो जाते हैं उसको कम करने के लिए, ये कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है नायासिनामाइड। विटामिन सी आपको पता है कि ग्लो प्रोवाइड करता है, एक्ने स्कार्स को रिड्यूस करता है, ब्लेमिशेस उसको कम करता है, एंटी एजिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, एजिंग साइंस को कम करता है। एंड जो लिक्विरिस एक्सट्रैक्ट है दैट इज ऑल्सो यूज फॉर रिड्यूसिंग इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन ऑन योर फेस। अल्फा एल्ब्यूटिन भी जो अल्फा एल्ब्यूटिन है दैट इज यूज वो आपके फेस पे जो मेलानिन प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करता है सो दैट आपकी जो स्किन टोन है वो इवन हो जाए, क्योंकि मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो फेस डार्क जरूर लगेगा, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स मेनली इन्हीं चीजों पे वर्क करने के लिए है। तो अगर आपका स्किन कंसर्न इस चीज को लेकर है फिर ही आप बाय करना। दिस सीरम इज नॉट फॉर द पर्सन जिनको एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम है, एक्ने स्कार्स को रिमूव करने के लिए करता है, इसको इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। एक्ने के जो स्कार्स हैं पिंपल्स के जो पुराने काफी बेस पे दाग धब्बे रह जाते हैं उसको कम करेगा ये, एक्ने पिंपल्स को रोकने के लिए ये नहीं है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है स्किन को रिपेयर करने के लिए या आपकी स्किन को वापस उसी टोन में लेके आने के लिए, जैसे आपकी हुआ करती थी अगर आपकी स्किन काफी खराब हो गई है। मैं रिकमेंड करूंगी अगर आपके बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन है या जो भी इनमें से कोई कंसर्न है तो एटलीस्ट इसको 1 month यूज करो, अगर आपको सूट करता है तो इसको कंटिन्यू एटलीस्ट रखो 2 to 3 months तो करो। इतनी जल्दी कोई भी मतलब सीरम है या कोई स्किन केयर प्रोडक्ट ठीक नहीं कर सकता स्किन को, साथ साथ अपनी डाइट ठीक रखो, साथ साथ जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स आप अपने यूज करो वो भी रखो, सिर्फ एक ही चीज पे मत डिपेंड रहना। अदरवाइज ये सीरम काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे, इफेक्टिव है, इसको
आप डे टाइम भी यूज कर सकते हो एंड एएम में भी यूज कर सकते हो एंड पीएम में भी यूज कर सकते हो। ये भी इनकी जो है पैकेजिंग पे अच्छे से मेंशन है कि आप एटलीस्ट फॉर 1 month यूज करो, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए 2 times यूज करो। इट इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, कॉम्बिनेशन हो गया, नॉर्मल हो गया, ऑयली हो गया, ड्राई को भी जाएगा क्योंकि काफी हाइड्रेटिंग सीरम है ये। बहुत इंस्टेंटली अगर आप लगाते हो तो इंस्टेंट हाइड्रेशन भी करता है एंड साथ में फेस पे एक अच्छा सा ग्लो भी आता है इसको लगाने के बाद एंड काफी ज्यादा मतलब अच्छी सी नेचुरल सी ग्लो प्रोवाइड करता है, बहुत इजीली अब्जॉर्ब हो जाते हैं। कुछ सीरम को लगाने के बाद आपके फेस पे काफी स्टिकीनेस फील होगी, ऐसा इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप में से पूछो तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव लगा मुझे, आप ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा प्रोडक्ट है। विल रिकमेंड कि अगर आपको इनमें से कोई भी स्किन केयर है तो आपको जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए, अगर आपने ट्राई किया है तो आप मुझे जरूर बताना। एंड गाइज, ये जो प्रोडक्ट है ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड इट्स फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ केमिकल्स, पैराबेंस या मिनरल्स, क्योंकि सरोना के जो है सारे प्रोडक्ट्स हैं केमिकल फ्री ही हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो मुझे जरूर बताना एंड कमेंट करके कुछ भी पूछना है तो जरूर पूछ लेना। वीडियो को बहुत सारा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।